हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इमरहमान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के बारे में, एनआरसी का जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ ज़रूरी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको जो है आगे चल के प्रॉब्लम भी हो सकता है। वीडियो को पूरा देख लेना, आपको छोटा सा वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी से दे दूंगा। उससे पहले वीडियो को आप एक लाइक कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आप अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू का बेल आइकन दबा दे एनआरसी के छोटे बड़े हर तरह की अपडेट जो है सबसे पहले पाने के लिए। तो चलिए, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जल्दी से जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बात जो है क्लियर कर दूं कि बायोमेट्रिक होता क्या है। आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे भाई हैं जिनको ये नहीं पता कि बायोमेट्रिक होता क्या है। तो बायोमेट्रिक कुछ नहीं है, सिर्फ आपका जो है 10 जो फिंगर होता है उसका इम्प्रेस स्टाम्प मतलब चाप, और आपका जो आँखों का जो रेटिना है उसका चाप को ही बेसिकली जो है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट कहा जाता है। तो ये किन लोगों के लिए जो है मैंडेटरी है? अगर आपने जो है दावी किया है, क्लेम किया है, तो आप लोगों के लिए जो है ये बायोमेट्रिक एनरोलमेंट मैंडेटरी है। तो इनमें से बहुत सारा भाई का ये कमेंट आ रहा था कि मेरा हेयरिंग हो चुका है और मेरा जो बायोमेट्रिक नहीं लिया गया है। तो आप जो है अगर आपने क्लेम किया है तो आप बायोमेट्रिक एनरोलमेंट ज़रूर दीजिए। आप लोगों को तो ये पता होगा कि बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के लिए जो है ये सुविधा दिया गया है कि अगर आपका हेयरिंग सेंटर बहुत दूर है तो आप अपना नज़दीकी जो NSK हुआ पे जाके आप अपना जो है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट करवा सकते हो। तो आप लोग जो है बहुत सारे लोगों का ये भी डर लग रहा है कि बायोमेट्रिक देने से कुछ प्रॉब्लम होगा या नहीं, तो आपको जो है निश्चित रहिए बायोमेट्रिक देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने दावी किया है, क्लेम किया है, जो आपका जो बायोमेट्रिक एनरोलमेंट आपका मैंडेटरी है, NRC कर्तृपक्ष द्वारा पहले जो है ये अनाउंस किया गया था, तो अपना NSK अगर आपका हेयरिंग हो चुका है तो अपना नज़दीकी जो NSK हुआ पे जाके आप अपना जो है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट ज़रूर करिएगा अगर आपने दावी या क्लेम किया है। तो यही अपडेट आप लोगों को बताने वाला था NRC का क्लेम जो है बायोमेट्रिक एनरोलमेंट के बारे में। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों का शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन को, और कुछ जानना है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को जितना हो सके समझा के बताने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।